नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिप्स वाले आलू की टेस्टी सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सब्जी हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे और ये खाने में टेस्टी बनती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं चिप्स वाले आलू की टेस्टी सब्जी। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम एक बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। दो पिंच के करीब हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। अब मैंने दो हरी मिर्च लिए जिसे लंबा काट लिया है, दो टमाटर लिए हैं इन्हें भी मैंने लंबा काट लिया है। इसे तेल के अंदर भून लेंगे। मैंने हरी मिर्च ली है जो फ्रेंड्स वो तीखी बिल्कुल भी नहीं है। आप हरी मिर्च का पेस्ट या हरी मिर्च को बारीक काट कर भी ले सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिसे मैंने छीलकर इस तरह चिप्स की शेप में काट लिए हैं। आलू को थोड़ा सा मोटा काटें, ज़्यादा पतला भी ना काटें और ज़्यादा मोटा भी ना काटें। और ये हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसे भी हम 2 मिनट तक तेल के अंदर भून लेंगे। चलाते हुए ही भूनना है हमें। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इसके अंदर लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं। मैं इसे बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी। ये बिना लहसुन प्याज के भी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए, मैंने इसे 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रख सकते हैं। आधी चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 2 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर गरम मसाला। 1/4 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इन सभी मसालों को सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह चलाते हुए हम मसालों को भून लेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। ये आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं और ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, मैंने सभी मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैंने 1/2 गिलास पानी लिया है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम सब्जी को ढक कर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे इसी तरह ढक कर पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद हम वापस से चेक कर लेंगे और एक बार चला देंगे। अभी सब्जी थोड़ी कम पकी है, आलू अभी टाइट है, वापस से ढक कर हम 3 मिनट और पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। 3 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे। आप देखेंगे कि सब्जी का पानी जो है पहले से काफ़ी सूख गया है और इसे एक बार चला देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, दिखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है। मैंने एक आलू आपको तोड़कर दिखा दिया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड, अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसके अंदर हरा धनिया या कसूरी मेथी डाल लें तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चिप्स वाले आलू की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।